दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम नदर कुल इमरान खान के एक छक्के ने इस वक्त सबको हिला के रख दिया है और अपने पिछले व्लॉग में जो मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि इमरान खान ने कौमी असेंबली में वापसी का ऐलान कर दिया है तो यह ताकतवरों को भी बहुत बड़ा झटका खान साहब की जानब से दिया गया है लेकिन उससे भी बढ़कर पी डीएम जो है वो चकरा कर रह चुकी है और इमरान खान ने इन सबको चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन नई स्टेब्लिशमेंट भी विकेट के दोनों तरफ जो है वो खेल हुई नजर आ रही है और लग ये रहा है कि भाजपा डॉक्ट्रेन इस वक्त रुकने का नाम नहीं ले रही तो कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आज आपकी खदबत में हाजिर हुआ हूं आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आज का पूरा दिन पाकिस्तान की सियासत में जो बैकडोर हुए वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि खान साहब ने रंधे पर रंधा फेर के रख दिया है सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के खिलाफ साजिशें रुकने का नाम नहीं ले रही बल्कि एक और खौफनाक साजिश जो है उसको लॉन्च कर दिया गया है

आने वाली तमाम तरफेट्स आपकी खदमत में बर वक्त पेश होती रहें खान साहब ने आज सहाफियों से मुलाकात की और उसमें बड़ी में जो है वो इजाफा नहीं किया जब के साथ अगर डील होती है तो पचहत्तर फीसद गैस महंगी होगी और यह भी मैंने आपको सामने रखा था कि सौ रुपये फीस यूनिट तक बिजली जाएगी और अगर ये नहीं होता तो पाकिस्तान टेक्निकल तौर पर डिफॉल्ट कर जाएगा और अगर ये सब कुछ हो जाता है

मुनीर या उनकी टीम की बात करने की जो है वो पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और खान साहब ने कहा कि नून ली के साथ रेस्ट करेंगे और फिर जनाब इनको पार्टी में शामिल करेंगे अब ये सारे सूरत हाल जो है वो तो एक जानब है लेकिन नादर खान इस वक्त जो पी डी एम है वो घबराई हुई नजर आ रही है और अतम के वोट का मामला वजर अजम सेक्रटेट ने अरकिन असम्बली की फहरिस्तें तलब कर ली हैं और जिस पर सेक्रटेट जराये का यह कहना है कि इस वक्त कौमी असम्बली में अरकिन की तादाद तीन सौ इकतीस है जिसमें हुकूमत को एक सौ इक्यासी अरकिन की हिमायत हासिल है और हुकूमती इतिहाद ने शामिल जमातों में से मुस्लिम नून के पचासी पीपल्स पार्टी के अठावन और मुतहदा मजलिस अमल के चौदह और मुतहदा जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी और बलोचि नेशनल पार्टी के चार चार और मुस्लिम लीग काफ के तीन जमहूरी वतन पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी का एक एक रुकन जो है वह हुकूमत में शामिल है लेकिन कैसे चूं चू का रब्बा इकट्ठा करके जनरल बाजवा साहब ने एक मुल्क पर शबखुन मारा था और इमरान खान के मैंडेट को जनाब चुरा कर और सारा आपने देखा कि जो साजिश रचाई गई बगैर शख्स की, की जानब से उसने पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर दिया और जबकि कौमी असेंबली में चार चार आजाद अरकिन है वो भी इस वक्त हुकूमत के साथ हैं अब जो असेंबली सेक्रेटेट के राय है वो ये बता ते हैं किस कौमी असंबली में हिजब इखलाफ के अकीन की तादाद एक सौ पचास है जिनमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक सौ इक्कीस अब आपने क्या देखना है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के पचासी और इमरान खान के एक सौ इक्कीस अरकान हैं और इसकी अजनाब चूँ चूँ के मबे की और इक्कीस मुनहरब अरकान शामिल हैं और सिंध के ग्रैंड डेमोक्रेटिकलाइंस तीन मुस्लिम काफ़ दो बलोचिस्तान अवमी पार्टी जमात इस्लामी और अवानी मुस्लिम लीग के एक, एक रुकन भी अपोजिशन के साथ हैं जबकि कौमी असम्बली की ग्यारह नशस्तें खाली हैं जिनमें से सात पर जीत इमरान खान साहब ने हलफ नहीं लिया और एक पर इमरान खान साहब नहल हुए हैं और इसके अलावा जो महमूद मौलवी नदीब ख़ान और वहीला हामिद ने भी ब होकर हल्फ नहीं लिया है अब जनाब यह सारा मामला जो है वो तो एक जानब है और यहाँ पर नजर आ रहा है कि तकरीबन एक सौ पचास से रकीन जो है वो तरीके के साथ में अगर मिलते हैं और इमरान खान साहब पूरी गेम सेट कर लेते हैं तो अगर का होता है तो रन ऑफ इलेक्शन में शहबाज शरीफ जो है वो जनाब इस वक्त वज्रजम बनते हुए नजर नहीं आ रहे दोबारा का वोट जो है वह अगर होता है लेकिन उस हद अंदर जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने मीडिया से गुफ्तू की है उन्होंने कहा है कि हमारे नंबर पूरे हैं ख्वाजा

और उससे कासिम अली शाह जो मुलाकातें करने जाते थे तो इमरान खान साहब जो है वो उनसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और चौधरी परवेज लाई जैसी शख्सियत को अगर आप इस्टिशमेंट से छीन सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकता है खान तो इस सबके अंदर नजर कलम ये सारी मामला जो है वो तो एक जानब है और फैसले की डोरे जो है इस वक्त इमरान खान के हाथ में आती हुई नजर आ रही हैं और इमरान खान साहब ने जो एक और सरप्राइज दिया है वो जनाब कौमी असम्बली में वापसी का ऐलान है तो तारीख गवाह है जब रजीम चेंज हुआ उस वक्त जमीर जागे और फिर आपने देखा कि के वोट के ऊपर जमीर जागे पंजाब के अंदर भी जमीर जागे तो इस सबके अंदर नजर मोहरा लॉन्च हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब ने जो सरप्राइज दिया है के वोट पर और वो असेंबली में वापिस आ रहे हैं शाह महमूद कैसी साहब वाइस कप्तान और ये जनाब जी एच के बड़े करीब हैं कभी इनको आप के ऊपर तनकीद करता हुआ नजर नहीं आएंगे और ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान पर पिछले आठ माह से खतरे की घंटियां बज रही हैं वक्त पर दुरुस्त फैसले ना किए तो पाकिस्तान को नुकसान होगा और मुल्क में सनतें बंद महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है उन्होंने गोजरा में अवामी इजमा से खताब करते हुए कहा कि आज दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रही मुखालफन को लग रहा था कि हम इतम का वोट हासिल नहीं कर पाएंगे तरीके इंसाफ मैदान में है और मुखालफी खौफ में मबतला है तरीके इंसाफ ने एक सौ छियासी अरकान को यकजा कर रखा है लेकिन नादर जान ये एक मामला जो है वो वह जानीब है कि ईशान उद्कश साहब जो है मैं उनको हद्दारी का टैग नहीं लगा रहा और ना मैं ये कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान तरीके छोड़ जाएंगे लेकिन मैं आपको अपने खबर दे रहा हूं कि बयानिया बनाया जा रहा है कि शाह नम जो है वो जमहूरियत पसंद है और उनको इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर मजबूत किया जा रहा है कुछ ऐसे हल्के हैं उनकी जानब से अब हमदाहब ने भी ऐसा ही जनाब कुछ अपने कॉलम के अंदर भी लिखा है कि शाह नम जो है उनके हवाले से बयानिया बनाया जा रहा है और चूंकि जनाब चौधरी प्रवेश दारी साहब जो है वो जनाब इस वक्त वो पाकिस्तान तरीके साथ जम हो रहे हैं और नजर आ रहा है कि वो पंजाब में जनाब अपनी हुकूमत दोबारा बनाएंगे वजराला पंजाब बनेंगे उनका बेटा बन सकता है वो खुद बन सकते हैं तो शाह महमूद क्रेशी जो है वो दो हजार अट्ठारह में भी जनाब वजारत अला के लिए उम्मीदवार थे लेकिन उनको बनाया नहीं गया तो फवाद चौधरी सारा ग्रुप जो है मैं फवाद चौधरी की बात नहीं कर रहा बल्कि वो क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो वजारत अला की कुर्सी पर जाए लेकिन वो भी जनाब एम एन ए के इलेक्शन को लड़वाया गया लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस शाह महमूद क्रेशी जो है उनको पार्टी के अंदर मजबूत किया जा रहा है और ये बताया जाता है कि इनको अगर खान साहब को जो है वो नहल किया जाता है जो कि साजिशें हो रही हैं तो इनको जनाब आगे लाया जाएगा और ये सारी सूरत जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है आपको पता है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ पोलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और पोलिटिकल इंजीनियरिंग कौन कर रहा है एम के एम को किसने इकट्ठा किया आपको पता है कि पाकिस्तान के स्टब्लिशमेंट जो है वो ये जनाब आज से नहीं बल्कि पचहत्तर सालों से पाकिस्तान पर शबखुन मार रही है अब जनाब आ जाएँ कि जो पी डी एम का जनरल आसिफ मनीष से राबा हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये हंगामी मदद जो है वो तलब की गई

मौजूद नहीं है और ना इनकी इस तरह से कोई बातचीत चल रही है सिर्फ यह मामला था कि जो ऐवान सदर है वो जनाब इस्ट के साथ उनके कोई मामला चल रहे थे लेकिन ऐवान सदर ने भी बाकायदा तौर पर इसकी तरद कर दी थी और जो मुलाकातों की खबरें चल रही थी कि इमरान खान साहब और जनरल आसिफ मुनीर की ऐान सदर में कोई मुलाकात हो सकती है और उसकी भी बाबा तौर पर सदर ममलिकत आरिफ अलगी साहब ने उस खबरों की तरदीद कर दी थी कि अभी तक हमारा यानी कि ऐवान सदर का भी के साथ किसी भी किस्म का कोई रहा नहीं है अब जनाब पी डी एम ने जो मदद तलब की है मौलाना और आपको पता है कि जनाब हमेशा से लसी पीने वाली सरकार जो है वो हुकूमतों में बैठने की जो है वो ख्वाहिशमंद रहती हैं तो ये कहते हैं कि अगर दोस्त कहते हैं इलेक्शन में जाना है तो सबसे पहले हम तैयार हैं अब इनके दोस्त कौन है आप समझते हैं कि दोस्त कौन है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं पिंडी वालों की तरफ इशारा कर रहे हैं और ग्रीन सिग्नल के इंतज़ार में है और फेस सेविंग के इंतज़ार में कि जनाब किसी ना किसी तरीके से जो है वो पिंडी वाले इनको सपोर्ट कर दें पंजाब और के में बक्स से पहले इंतबाद नहीं होंगे तुम्हारे बाप का मुल्क है जनाब बक्स से पहले इंतबात नहीं होंगे और जो चाहे पाकिस्तान में कर लेंगे मुल्क मौशी तौर पर गिर चुका है अगर उठाना उठाने का बेड़ा हमने लिया है तो एक जगह आ जाना चाहिए जनाब सदर बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं गए साहब को सदर बना दिया जाए लेकिन अभी तक सदर बनते हुए नज़र जो है वो नहीं आ रही

और जनरल आसिफ मनीर जो है वो बहुत सारी जगहों पर बबीना तौर पर कह चुके हैं कि उन्होंने बहाल करना है तो आसिफ मनीर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इदारे की इमेज को बहाल किया जाए और इदारे को न्यूट्रल रखा जाए सारे मामला में और मैंने आपको यह भी बताया था कि शेख रशीद साहब की जब मुलाकात हुई थी खान साहब के साथ तो उन्होंने उसके बाद इंकशाफ किया था कि इमरान खान को अब रास्ते से हटाने के लिए जो आखिरी ऑप्शन है कि उनको जहर देने की कोशिश की जा रही है अब ये बड़ी मसक्का खबर है कि उस वक्त उनकी उनका यह इंकशाफ सामने आना इसका वाज मतलब है कि इमरान खान साहब ने उनको बताया था शौकत खानों में भी इमरान खान के जब वो दाखिल थे वहां पर उन पर कातलाना हमला हुआ उस वक्त भी जो है वो नामालूम अफरा वहां से पकड़े गए वो डॉक्टर्स को अप्रोच कर रहे थे इमरान खान के जो पर्सनल स्टाफ है उनमें से गिरफ्तारियां हुई वो भी जनाब जो है वो ताकतवर लोगों के साथ बंद कमरों वाले लोगों के साथ जो है वो रबतों में थे लेकिन जनाब अब एक और खबर रख देता हूँ आपके सामने चूंकि के पी के में और पंजाब में खान साहब की हुकूमतें नहीं रहीं के पी